हे गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, हम अपना लारवेल 8 यूजिंग रिसोर्स कंट्रोलर कंटिन्यू कर रहे हैं एंड जो कि ये पार्ट 3 है। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इस डेटा को व्यू करेंगे। तो यहाँ पे आप डिस्प्ले कर दिया है, राइट। अब इस डेटा को हम सिंगली व्यू करते हैं जो कि रिसोर्स कंट्रोलर का उसमें आता है मेथड शो में। तो आपको रिसोर्स कंट्रोलर दिखाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शो ऑप्शन क्रिएट किया गया। तो इसके ये किस लिए काम आता है, इसीलिए ही। सो गाइस, अब चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट आपको राउट लिस्ट चेक करना है कि कौन सा मेथड पे वो कॉल हो रहा है। सो ओपन करते हैं PHP आर्टिसन राउट कोलन लिस्ट। तो ये अपना कंट्रोलर था, ओके। तो यहाँ तक है एंड शो फंक्शन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मेथड से कॉल हो रहा है, ठीक है, वेरी सिंपल। सो गाइस, कंट्रोल सी करके कॉपी करिए इसे एंड वापस मिनिमाइज। चलते हैं टेबल पे, इस टेबल के बटन पे, ठीक है। तो ये रहा अपना टेबल का बटन शो और इधर ए टैग में हमें पेस्ट करना है। सो URL फंक्शन कॉल करिए और इसमें ये पाथ कॉल कर दीजिए और स्टूडेंट की जगह पे ID सेंड करना है हमें, एज सिंपल। तो यहाँ पे इसे रिमूव करिए और ये जो डॉलर आइटम ऑफ ID है उसे कंकैटिनेट कर दीजिए डॉट के साथ, सेव एंड नाउ गाइस, चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश और क्लिक करते हैं शो पे। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट /1 पे है और ये फंक्शन ब्लैंक है, इसलिए ये पेज ब्लैंक है इसलिए क्योंकि ये फंक्शन कुछ नहीं कॉल हुआ है। सो गाइस, लेट्स कॉल दैट पेज। सो पहले पेज क्रिएट करिए, रिटर्न व्यू जो कि रहेगा स्टूडेंट फोल्डर, स्टूडेंट डॉट शो पेज क्रिएट कर लीजिए। सो कॉपी एंड चलते हैं अपने स्टूडेंट पे और यहाँ स्टूडेंट पे आपको शो डॉट ब्लेड डॉट PHP फाइल क्रिएट करनी है। आफ्टर दिस सेम डिज़ाइन हम कॉपी करते हैं गाइस। सो इंडेक्स फंक्शन से कॉल करिए ओके शो। सो गाइस, लेट्स एक्सटेंड। तो आपको कुछ एक्सटेंड करना है, सो इसे एक्सटेंड कर लीजिए एज सिंपल एंड ये सेक्शन एंड है और ये सेक्शन को एंड कर लेते हैं, डन। एंड गाइस, एक छोटा सा डिज़ाइन बनाते हैं। सो कंटेनर रो कॉलम MD 8 और इसे कह देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड देन सिंपल कार्ड हेडर H4 टैग शो स्टूडेंट डेटा, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा ए टैग, बैक बटन और बैक बटन को डिज़ाइन कर लीजिए यूजिंग बूटस्ट्रैप क्लास, बटन डेंजर बटन स्मॉल कर लीजिए और ये बैक बटन रहेगा अपने URL कॉल्ड स्टूडेंट एंड देन कार्ड बॉडी एंड इनसाइड दिस कार्ड बॉडी H4 टैग में हमें पेस्ट करना है। सो ये रहेगा स्टूडेंट नेम और इसके नीचे आउटपुट H4 टैग में पेस्ट। अब इसमें डेटा कैसे लाएंगे आप, तो यहाँ वापस आपको स्टूडेंट कंट्रोलर पे जाना है और यहाँ से हम वेरिएबल पास करेंगे। सो स्टूडेंट वेरिएबल क्रिएट करिए इज इक्वल टू स्टूडेंट मॉडल। तो अपना मॉडल कॉल कर दीजिए ये स्टूडेंट वाला, वेयर फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे आप, ID, जो प्राइमरी ID आप सेंड कर रहे थे। तो ये ID सेंड हुआ, ये कहाँ से आ रहा है, तो ये वाला आके इस URL से आ रहा है, ओके, वेरी क्लियर। एंड नाउ गाइस, इस स्टूडेंट को सेंड कर देना है यूजिंग कॉम्पैक्ट फंक्शन सेंड इनसाइड सिंगल कोट्स। तो चलते हैं शो और ये स्टूडेंट वेरिएबल आ चुका है। अब इसमें हमें फेच करना है नेम, डन। इसे H4 से बदले हम लोग लेबल रखते हैं और क्लियर रहेगा हॉरिजॉन्टल रो। एंड नाउ गाइस, इसे वापस कॉपी करिए एंड पेस्ट कर लीजिए 4 टाइम। ये रहेगा स्टूडेंट कोर्स
कोर्स हो गया, स्टूडेंट का सेक्शन हो गया ये सेक्शन, एंड लास्ट आता है स्टूडेंट ईमेल। तो यहाँ पे ईमेल कॉल कर लीजिए, सेव एंड रिफ्रेश। आप देख सकते हैं डेटा परफेक्ट से आ चुका है। सो स्टूडेंट नेम इज़ वरुण BCAC और varun@gmail.com। इसको फ्लोट राइट कर लीजिए राइट साइड, तो उसका मतलब बूटस्ट्रैप 5 में फ्लोट एंड कहते हैं उसे। रिफ्रेश, कूल। सो गाइस अब डिज़ाइन परफेक्ट लग रहा है एंड डेटा भी सही आ गया है। बैक जाइए एंड क्लिक टू ID3 शो, तो यहाँ पे आप ID3 शो कर सकते हैं। सो गाइस हम लोग देख चुके हैं कि इस डेटा को कैसे शो किया जाए यूजिंग रिसोर्स कंट्रोलर। सो गाइस इन दिस वीडियो दैट्स इट, लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो अबाउट एडिट एंड अपडेट द डेटा यूजिंग रिसोर्स कंट्रोलर। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर।